हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी स्टूडियोज एंग्रेव पर। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर कल की तरह आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एसएससी सीपीओ स्पेशल इडियम्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अधिक से अधिक इडियम्स पढ़ा रहा हूं, अधिक से अधिक वन वर्ड पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वो कैप पे ध्यान दे रहा हूं, फिर ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो कैप एक बार अगर अच्छे समझ में आ गई तो बहुत ईजी टू स्कोर होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ के टीम के मेंबर्स के बारे में। उमाकांत शर्मा सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। विक्रमजीत चौधरी सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, रीजनिंग गुरु कहला जाते हैं, ठीक है। शंभू कुमार सर जी और जीएस में डील करते हैं। पवन राव सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। माई सेल्फ टीच यू ऑल इंग्लिश बट स्टिल आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। पिछले 8 सालों से मैं एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। और मैंने 1 लाख से अधिक लर्नर्स को मेंटोर किया है, ठीक है। पॉपुलरली एंड लविंगली मुझे वॉकिंग डिक्शनरी कहा जाता है, क्योंकि मैंने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के सारे वर्ड्स अच्छे से याद कर लिए हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं अनअकैडमी का, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एजुकेटर्स कब कब क्लास लेने वाले हैं, ठीक है, राइट। सो इसके बाद में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको आसानी से आप अपना गोल चूज कर सकते हैं, और आपका गोल क्या है यहाँ पर, एसएससी एग्जाम है। एसएससी एग्जाम को आप चूज करेंगे, उसके बाद एसएससी एग्जाम से जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सब आपको वहां पर क्या होंगे, मिल जाएंगे, और सबको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, सबसे आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये सारी बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए चीज़ें हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं अनअकैडमी प्लस की, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं अनअकैडमी प्लस के, अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि अपने आप फेवरेट टीचर से लर्न करते हो, यू लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स, फेवरेट एजुकेटर्स, ठीक है। डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस होता है टू ऑल एजुकेटर्स इन दैट कैटेगरी, मतलब उस कैटेगरी में सारे अनलिमिटेड एक्सेस होता है सभी एजुकेटर्स को, ठीक है। तो सपोज आपने एसएससी एग्जाम के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो एसएससी एग्जाम से जितने भी एजुकेटर्स होंगे सबको आप आसानी से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ में, रियल टाइम मतलब ऑनलाइन जब वो क्लास ले रहे हैं तो उनसे आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, अपने डाउट पूछ सकते हो। और सबसे ख़ास बात तो हमको ये लगती है भैया कि आप लोग वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हो और उनको ऑफलाइन देख सकते हो, मतलब जॉब कर रहे हो, बिजी हो, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो डाउनलोड कर लो वीडियोस और ऑफलाइन देख लो। मतलब आप कुछ काम करते करते, जॉब करते करते भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो इट्स ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, इनको आप एक्सेस कर सकते हैं आप पे और उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो, सॉरी, एक अगर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, तो 1 साल का जो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका है कितना, 6,000 रुपये का। लेकिन अगर आप SR लाइव कोड अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, SR लाइव कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। क्या मिलता है भैया, 10% डिस्काउंट मिल जाता है, और वही हो जाता है आपका 5,400 रुपीज़ का, ठीक है। क्या हो जाता है, 5,400 रुपीज़ का हो जाता है, मतलब SR लाइव कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, और 10% का डिस्काउंट मिलता है तो वो हो जाता है 5,400 रुपीज़ का। तो कमाल की बात है ये, बहुत ही फायदे की बात है ये। और अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, और अप्लाई करते हैं उसमें SR लाइव कोड, तो वो मिलता है 10% का डिस्काउंट, और वो हो जाता है आपका, सॉरी, अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है तो 9,600 का होता है, और अगर उसमें अप्लाई करते हैं आप SR लाइव कोड
10% डिस्काउंट मिलेगा और वो जाता है 8,640 रुपीज का। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये सारे जो ऑफर्स हैं आपके लिए कितने बेनिफिशियल साबित होंगे और आप साल भर की पढ़ाई 5,400 रुपए में करेंगे, ठीक है, दो साल की पढ़ाई 8,640 रुपीज में करेंगे, तो ये सब बहुत ही आपके बेनिफिशियल हैं सारी चीजें। आप जरूर इनका फायदा उठाएं और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और आपका मेन टॉपिक क्या है बेटा, एड सिक्सेस एंड सेवेंस, ठीक है बेटा। तो अगर हमने कहा एड सिक्सेस एंड सेवेंस तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, डिसऑर्डर, क्या हो गया, डिसऑर्डर, ऑर्डर में ना होना, ठीक है। तो कभी वो 6 पे रहता है, ठीक है, तो कभी वो 6 पे है, ठीक है, और कभी 7 पे है, तो मतलब कोई ऑर्डर तो उसका फिक्स नहीं है, ठीक है, नो ऑर्डर इज फिक्स्ड, कभी 6 पे है, कभी 6 होता है, कभी 7 होता है, तो कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब हो गया इन डिस ऑर्डर, क्या हो गया, इन डिस ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, दैट इज इन डिस ऑर्डर, ठीक है, यस और नो, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन ब्लैक, इन ब्लैक एंड व्हाइट, राइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, अगर हम बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन रिटन फॉर्म, ठीक है। अब कैसे, अब ब्लैक क्या होती है बेटी, इंक होती है, ठीक है, ब्लैक क्या होता है, इंक होता है, ब्लैक इंक है, और व्हाइट क्या है बेटा, पेपर है, व्हाइट क्या है, पेपर है, ठीक है। तो अब ब्लैक इंक है बेटा, व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर सामने आ गया और ब्लैक इंक आ गया, तो कुछ ना कुछ लिख जाएगा, मतलब वो रिटन फॉर्म में होगा। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है बेटा, इन रिटन फॉर्म। आपने कहा, अगर आप सपोज आपके जो प्रिंसिपल सर थे, तो उन्होंने कहा बेटा मैं आई वॉन्ट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में एप्लीकेशन चाहिए, मतलब मुझे रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन चाहिए, क्लियर, राइट, बात समझ में आ रही है, मुझे रिटन फॉर्म में क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन रिटन फॉर्म, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, मतलब रिटन फॉर्म में, क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे मूव करते हैं, इन अ टेम्पर, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने कहा इन अ टेम्पर, तो टेम्पर का क्या मतलब क्या होता है, मूड। इन अ टेम्पर अगर बोल दिया तो मतलब कौन से मूड में, एंग्री मूड में, गुस्सा। टेम्पर वैसे भी कौन सा टेम्पर, टेम्परामेंट है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर में है तो तापमान गर्म है, मूड का मतलब कैसे है, गुस्सा, एंग्री, ठीक है। तो इन अ टेम्पर का मतलब क्या होता है, एंग्री होता है, गुस्सा होता है, ठीक है। He is in a temper. He is in a temper का मतलब होता है He is in angry mood. वो गुस्से के मूड में है, क्योंकि in a temper का मतलब क्या होता है, ठीक है, very angry. Clear? बात समझ में आ रहे, ठीक है, ध्यान रहेगा in a temper का मतलब क्या होता है, done. चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, इन अ नट सेल, ठीक है, राइट, क्या होता है, इन अ नट सेल। अब इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है, इन अ नट सेल, नट क्या होता है, मूंगफली, मूंगफली,
मूंगफली होता है, और उसके अगर हम शेल की बात करें तो उसके हम आउटर कवरिंग की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम आउटर कवरिंग की। तो अगर आप मूंगफली के छिलके के अंदर कोई चीज रख रहे हो तो मतलब कोई बहुत बड़ी चीज से उसको आपने छोटा कर दिया, मतलब इन ब्रीफ कहते नहीं कि ये सारी बातें आप हमें नटसेल में बताइए, नटशेल में बताइए, मतलब ब्रीफ में बताइए, बहुत लंबी चौड़ा गाथा मत, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, आप नटशेल में बताइए, आप ब्रीफ में बताइए, कम शब्दों में बताइए, दैट इज इन अ नटशेल। सो क्या बोलते हैं, नटशेल बोल, इन अ नटशेल, ठीक है, इन ब्रीफ, क्लियर, बोलेंगे कभी नहीं, ठीक है, राइट, इन अ नटशेल का मतलब क्या हो गया, इन अ ब्रीफ, ठीक है। आगे मूव करते हैं, मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है, मैन इन द स्ट्रीट, गलियों में आदमी, गली में आदमी। अब कोई गली में अगर आदमी है तो बताओ कैसा व्यक्ति होगा, ठीक है, क्या उस व्यक्ति की कोई इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है, नहीं, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं गली में व्यक्ति है तो उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, वो गली का आदमी है, गली गुच्छे का आदमी है, मतलब साधारण व्यक्ति है, सिंपल व्यक्ति है, बहुत कोई फेमस नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, He is a simple man, right? He is a simple man. So, a man in the street का मतलब होता है a simple man. ठीक है? क्या होता है a simple man? एक साधारण व्यक्ति. ठीक है? Clear है दोस्तों? He is a man in the street. ठीक है? Who stole the car? मैन इन द स्ट्रीट मतलब गली मोहल्ले में घूमने वाला एक साधारण सा आदमी था, उसने क्या है कार, ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड, इन वो, बहुत ही अच्छा आइडिया है बेटा, इन वो का मतलब क्या होता है फैशन में, इन फैशन, इन वो का मतलब क्या होता है बेटा फैशन में, इन फैशन, ठीक है, वो का मतलब होता है फैशन बेटा, एक बेटा वर्ड होता है प्रूव जो मतलब होता है ट्रेंडी फैशनेबल, तो प्रोवोक क्या होता है एक ब्रांड है प्रोवोक, ठीक है, प्रोवोक क्या है एक ब्रांड है, ठीक है, इसकी ब्रांड है कपड़े की, क्लोज की ब्रांड है, ठीक है, तो प्रोवोक इज अ ब्रांड ऑफ क्लोज, ठीक है, इन वोक का मतलब होता है इन फैशन, क्या होता है इन, My clothes are in vogue. ठीक है, मेरे कपड़े क्या है फैशन में है, ठीक है, My hair style is in vogue. मतलब मेरे स्टाइल कैसे हैं फैशन में, क्लियर है स्टूडेंट्स, येस और नो, तो इन वोग का मतलब क्या होता है बेटा फैशन, इन वोक का मतलब होता है इन फैशन में, ठीक है, याद रहेगा, इन वोक का मतलब क्या होता है इन, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, टेक अ हाइक, शायद इसको बता भी चुके हैं लेकिन फिर भी देख लो अगर रिपीट हो रहा है तो, रिपीट से आपको रिवाइज ही होगा, टेक अ हाइक, हाइक का वैसे मतलब होता है इंक्रीज होना, और हाइक का मतलब होता है ट्रेकिंग वगैरह जो चढ़ाई होती है उसको भी बोलते हैं, तो टेक अ हाइक का मतलब होता है अ रूड वे ऑफ सेइंग टू समबडी गो अवे, एक बहुत ही रूड वे में किसी से कहना निकल लो यहाँ से, बड़े तेज निकल लो, ये कभी कभी होता है ना कहना पड़ता है किसी से बेटा निकल लो यहाँ से तुम्हारा कोई काम नहीं, दैट इज टेक अ हाइक, टेक अ हाइक, ठीक है, डोंट टॉक टू मी, टेक अ हाइक, मुझसे मत बात करो, निकल लो यहाँ, ठीक है, दैट इज टेक अ, क्लियर, यस और नो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है,
तो टेक अ हाइक का मतलब होता है अ रूड वे ऑफ सेइंग टू समबडी गो अवे, एक रूड वे में किसी से कहना कि निकल लो यहां से। डन, श्योर है, कोई डाउट किसी को? क्लियर? आगे मूव करते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये भी डिस्कस हो चुका था लेकिन फिर भी अगर रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो आपका ही फायदा होगा। रिवाइज, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है सब कुछ की नॉलेज रखने वाला, भले किसी में कोई कंप्लीट नॉलेज ना हो लेकिन सबकी थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। चाहे उससे पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लो, चाहे उससे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ लो, चाहे उससे बारे में पूछ लो, ठीक है, कुछ भी पूछोगे ही विल टेल यू बिकॉज ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्या है? ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब सब कुछ जानने वाला, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, आपने एक कहावत सुनी होगी, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, मतलब सब कुछ जानने वाला लेकिन किसी भी चीज में मास्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद में, इन सब के होने के बाद में एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एड सिक्सेस एंड सेवेंस, ठीक है, एड सिक्सेस एंड सेवेंस। एड सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है बेटा? एड सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में ना होना। कभी छह होगा, कभी सात हो रहा है, तो कोई ऑर्डर में तो है नहीं, कभी सिक्स कभी सेवन, तो इन डिसऑर्डर। एड सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है इन डिस, ठीक है, एड सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है इन डिस, ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस और नो? एड सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है इन डिस ऑर्डर, याद रखिएगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन फॉर्म, ठीक है, इन रिटन फॉर्म, राइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो कभी ब्लैक कभी व्हाइट, ब्लैक कलर हो गया और व्हाइट पेपर हो गया, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट इन रिटन फॉर्म, ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट आई वॉन्ट ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म्स इन ब्लैक एंड, सारा एप्लीकेशन फॉर्म मैं किसमें चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर? यस और नो? तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का होता है रिटन फॉर्म। इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इन अ टेम्पर का मतलब हो गया एंग्री, दुखी, सॉरी क्रोधित, गुस्से में, ठीक है। ही इज अ इन अ टेम्पर, आई विल नॉट टॉक टू हिम बिकॉज ही इज इन अ टेम्पर, वो किस में है, गुस्से में है, इज इन अ टेम्पर, वो गुस्से में है इसीलिए मैं उससे बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो इन अ टेम्पर का मतलब होता है बेटा गुस्से में, याद रहेगी बात, इन अ टेम्पर का मतलब क्या होता है बेटा? गुस्से में, क्लियर। इन अ नट शेल, ठीक है, नट मतलब क्या बताया था मैंने, नट का मतलब क्या होता है बेटा? मूंगफली, उसका शेल, उसमें अगर कुछ चीज रख रहे हो तो मतलब ब्रीफ में, तो इन अ नट शेल का मतलब क्या होता है बेटा? इन ब्रीफ में, ठीक है, सारांश में, कम शब्दों में, दैट इज इन ब्रीफ, इन अ नट शेल, ठीक है, इन अ नट शेल। यस और नो? डन है, क्लियर है बात? दैट्स ग्रेट। चलिए अब यहाँ पे मैन इन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में अगर कोई आदमी है तो कैसा होगा वो? साधारण व्यक्ति होगा, ये कैसा व्यक्ति होगा? साधारण व्यक्ति होगा, सिंपल मैन होगा, ठीक है, राइट। ही इज अ मैन इन द स्ट्रीट, मतलब ही इज अ सिंपल मैन, ठीक है, कोई हाई फाई पर्सनैलिटी नहीं हुआ, कोई रेपुटेड पर्सनैलिटी नहीं। इन वोग, इन वोग का मतलब होता है इन फैशन, इन फैशन, ठीक है, इन वोग का मतलब क्या होता है? इन फैशन।
राइट ठीक है. माय हेयर स्टाइल इज इन वोग, मतलब मेरा हेयर स्टाइल किसमें है, फैशन. ठीक है डन. ठीक है टेक अ हाइक, पढ़ाया था, पढ़ाया अभी. टेक अ हाइक का मतलब क्या होता है, अ रूड वे ऑफ सेइंग टू समबडी गो अवे, निकल लो यहाँ से, कट लो यहाँ से, बहुत ही रूड वे में किसी बोले चले जाओ यहाँ से, बस दिमाग मत खराब. ठीक है ठीक है टेक अ हाइक, ठीक है निकल लो. ठीक निकल. ठीक है अ रूड वे ऑफ सेइंग टू समबडी गो अवे, टेक अ हाइक. क्लियर. ठीक है चलो नेक्स्ट. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्या आया था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब हैविंग नॉलेज ऑफ ऑल एरियाज. ठीक है इसको हम इससे पहले वाले idioms and phrases की लिस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपको रिवाइज हो गया वो. ठीक है तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा. ठीक है कई चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो गया है. ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे. ठीक है यहीं तक रखते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग, लेट्स क्रैक इट.